हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 1 अक्टूबर को गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले कोर्ट ने योगी सरकार और यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए गांधी जी के आदर्शों की याद दिलाई थी। क्या कहा था कोर्ट ने, ये पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने का विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वो अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। जस्टिस राजन रॉय और जसप्रीत सिंह की बेंच ने 11 पेज के ऑर्डर में तमाम अखबारों की उन कतरनों का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, रीढ़ की हड्डी टूटी, जीभ काटी गई और शव को आधी रात में परिवार की अनुमति के बिना जबरदस्ती जला दिया गया। हमें पता चला है कि रात में 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वो भी परिवार वालों की गैर मौजूदगी में। पीड़िता का परिवार हिंदू धर्म का पालन करते हैं जिसके तहत सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। हाईकोर्ट ने आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड को भी कोट करते हुए लिखा, मृत्यु बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, कोमल सी भूरी चादर में लिपटे हुए, सिर से ऊपर तक उठी घास के बीच शांति को सुनते हुए। कोई बीता हुआ कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, समय को भूलकर, जिंदगी को भूलकर, शांति में ले जाने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस आदेश से जाहिर है कि पुलिस प्रशासन ने इस केस पर जिस तरीके से लीपापोती की कोशिश की उससे कोर्ट बेहद नाराज है। यही वजह है कि आज सरकार और पुलिस के 5 बड़े मुलाजिम कोर्ट में तलब किए गए हैं। इन्हें अपने अहंकार का जवाब देना होगा, बताना होगा कि समाज के सबसे कमजोर के आंसू पोंछने के बजाय उन्हें सताया क्यों।